हेलो गाइस, तो फाइनली आपका भाई आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आ चुका है गाइस। सबसे पहले आप लोग से सॉरी बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, अभी थोड़ी बिजी शेड्यूल में है, बट यहाँ पे मैं मेनली आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट वाली वीडियो लेके आ चुका हूँ गाइस। ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे, साथ ही साथ मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज देखी जो कि ऑडियंस को मतलब बेवकूफ़ समझते, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा यूट्यूबर करते क्यों है। भाई ऑडियंस आपके लिए एक टाइप की भगवान है, तो आपको उनको इज्जत दो और साथ ही साथ उनके लिए हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो गाइज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आप लोगों को पता ही होगा, फ्री फायर में एक नया इवेंट आया है जो कि गाइज आप लोगों का यहाँ पे मेल्टिंग वॉल्ट नाम का इवेंट है गाइज। इसके नाम से आप लोग समझ सकते हैं मेल्टिंग वॉल्ट मतलब आपके जो वॉल्ट के रिवॉर्ड है वो मेल्ट हो जाएंगे। जो आप चीज़ें को मेल्ट करना चाहते हो, लाइक आप जो चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते उसको यहाँ पे मेल्टिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने बिना रूल्स पढ़े साथ ही साथ मतलब सिर्फ वीडियो जल्दीबाजी में बनाना या ऑडियंस के जानबूझ के खराबी क्या, मुझे वो सब तो नहीं पता, लेकिन गाइस बहुत सारी ऑडियंस को उन्होंने ऐसा मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको जो बंडल अच्छा नहीं लग, आपको जो बंडल अच्छा लगता है उसको यहाँ पे डाल दो। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ कि अगर आपने इसमें से जो जो बंडल यहाँ पे जैसे चूज़ किया होगा, जो आपको पसंद नहीं है, आप इसको इसके बदले एक्सचेंज करोगे, तो आप लोगों को गाइस इवेंट कैसे कंप्लीट करना वो भी बता देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे गाइस जिन बंदों का यहाँ पे कुछ अगर आपका इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड रिमूव हो चुका है, लाइक आपने कोई अच्छा बंडल जो आप हर दिन पहनते थे गलती से आपने इसको रिमूव कर दिया है, तो गाइस ये सारे बंडल कैसे रिटर्न आएंगे और साथ ही साथ कैसे इस बंडल को आप लोग फ्री मतलब ले पाओगे, क्या कुछ है सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इवेंट कुछ नहीं, नॉर्मली इवेंट था, इसमें कुछ नहीं, आप जो चीज़ों को यूज़ नहीं करते, लाइक आपके जो चीज़ें आप अपने फ्री फायर में नाम के लिए सिर्फ कलेक्शन बना के रखे, तो उस चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सचेंज करके उसके बदले आपको एक टाइप का डायमंड मिलता है, उस डायमंड का यूज़ करके गाइस यहाँ पे आप वॉल टोकन में स्पिन करते, तो आप लोगों को ये जो आइटम प्राइस पूल यहाँ पे जो जो चीज़ें दिए गए हैं, लाइक कैरेक्टर हुआ, आप लोगों का पेट हुआ, पेट की स्किन्स हुए, ये आप यहाँ पे एक्सचेंज कर पाते। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे यूट्यूबर्स के चक्कर में गाइस, मैं मेनली यूट्यूबर्स को सजेस्ट करूँगा, हाँ और आप लोग का भी, आप लोग ने बहुत लोगों ने गलती से अगर रूल्स नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ था कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको एक्सचेंज करके आप लोग यहाँ पे इसके बदले इपिक एकदम अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हो। और यहाँ पे जो बंदों ने गलती से यहाँ पे अगर आपने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड सिलेक्शन कर दिए जो कि आप यूज़ करते थे लेकिन आपको पता नहीं था, आपने गलती से इसको वॉल्ट में मेल्ट कर दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ आप बहुत सारे यूट्यूबर्स अब इस पर वीडियो बना रहे हैं, वो भी एक बनाता तो समझ में आता है, 10-10 वीडियो एक ही चैनल पे हर एक एक घंटे में अपलोड हो रहा है कि पुराने रिवॉर्ड को कैसे रिटर्न लाए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेस्ट कर दूं, एक बार जो आपका यहाँ से रिवॉर्ड रिमूव हो चुका है वो आप रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरा काम है आप लोगों को रियल चीज़ बताना, फेक या टाइम पास की मैं वीडियो 10 मिनट की 20 मिनट की बना दूँ वो फायदेमंद आप लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, रूल्स में आप जाके पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है नोट, एक्सचेंज आइटम आर रिमूव फॉर योर वॉल्ट परमानेंटली। गाइस यहाँ पे परमानेंटली लिखा गया है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑडियंस को मतलब यूट्यूबर अभी भी बुर्वक समझ रहे क्या, मैं अपने ऑडियंस को तो आप जानते हो गाइस, भाई समझता हूँ, फैमिली हमारी है, यहाँ पे गाइस मतलब बार बार वीडियो बना रहे कि आप जाओ ईमेल आईडी से मेल करो, ये करो, उनको कंप्लेन करो, रेटिंग गिराओ, ये गिराओ, जब गाइस यहाँ पे रूल्स में लिख के रखा, अगर गाइस आपका रूल लिखा रहता है, आप नॉर्मल से स्कूल कॉलेज का अगर आपका रूल है कि आप लोग यहाँ पे मतलब जैसे 10th का रूल है मानो एग्जांपल कि 14 ईयर्स वाले एग्ज़ाम दे सकते, तो आप जब 4 साल के 3 साल के रहोगे थोड़ी एग्ज़ाम दे पाओगे। रूल्स जो है गाइस, जो रूल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेम यहाँ पे रूल्स ऑलरेडी लिखा था कि आपको जो रिवॉर्ड एक बार सेलेक्ट कर दिया वो परमानेंटली आपके वॉल्ट से रिमूव हो जाएगा, एक्शन कैन नॉट बी अंडन, एक बार होने के बाद गाइस कोई भी एक्शन फिर से अंडन विंडन कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग ये सोच रहे कि भाई रिटर्न विटर्न आ जाएगा तो मैं आप लोग को एकदम थोड़ा आप लोगों को दर्द होगा पर रियल ट्रूथ ही बताऊंगा, और ऐसे इन फ्यूचर भी आपको अगर 100% रियल अपडेट्स और एकदम सच्ची सच्ची फुल अपडेट वीडियोस आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप एक्टिवनेस रहने वाला हो, हर दिन आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाला हो। तो गाइस इसमें यही है कि एक बार अगर आपको जो रिवॉर्ड चला गया अब चला गया, फिर से रिटर्न नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगा, अगर आपको इसमें से कुछ रिवॉर्ड को रिमूव भी करना था तो आप लोग गाइस ज़्यादा यहाँ पे इमोट विमोट कलेक्शन विलेक्शन में मत करना, पैराशूट की स्किन जो कि आप लोग यूजलेस है, आप लोगों को पता है पैराशूट की स्किन आपको एक यूज़ करते हैं और आजकल तो पैराशूट की स्किन को यूज़ भी नहीं करता क्योंकि इतने सारे ओपी स्काईविंग्स आ चुके हैं तो जिस रीजन से पब्लिक यूज़ नहीं कर रही, तो इसी में आप लोगों को गाइस करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ, आप लोग ने अगर ऑलरेडी किया रहेगा तो अच्छी बात है गाइस, जैसे मुझे ये वाली पैराशूट की स्किन पसंद नहीं है, लाइक नॉर्मल मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी ऐसा लोकल आपको कोई भी चूज़ कर लेना है पैराशूट, बट गाइस ध्यान से चूज़ करना, एक बार अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो आप लोगों का फिर रिटर्न नहीं आ पाएगा। और गाइस रिवॉर्ड भी इतने खास तौर पर अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो मत करो, सबसे बेस्ट
वही हुआ गाइस, बहुत सारे ऑडियंस ने फटाफट और साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनको गलत बता के इनका डायमंड और साथ ही साथ इनका इतने दिन से जो आइटम इतना मेन रिवॉर्ड था सब चले गए। तो यही आप लोग के फ्री फायर का मेल्टिंग वर्ल्ड रिवॉर्ड है। साथ ही साथ कैसे क्या रिटर्न आएगा उसके बारे में फोटो बता दिया फुल कि नहीं अब आ पाएगा, उसके लिए आप लोग के लिए सॉरी। साथ ही साथ आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फुल नॉलेज मिली रहेगी, शॉर्ट टाइम में फुल अपडेट मिला होगा। इन फ्यूचर भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।